मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में इन दिनों अपराधियों का हौसला बुलंद है और आए दिन हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसी कड़ी में गिरियक थाना क्षेत्र के बरछी बिघा गांव में परमेश्वर यादव नामक बुजुर्ग को घर में घुसकर गोलियों से भून डाला है। परिवार वालों ने बताया कि परमेश्वर यादव घर में अकेले सो रहे थे, तभी कुछ अपराधियों ने उन्हें गोली मार दिया। हालांकि परिवार वालों का आरोप है कि संजय यादव और उसके सहयोगियों ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियों से छलनी कर दिया, जिससे उनकी मौत घटना स्थल पर ही हो गई। मिली जानकारी के अनुसार परमेश्वर यादव और संजय यादव के बीच बरसों से जमीन विवाद चल रहा है। पूर्व में संजय यादव की एक परिवार की हत्या हो चुकी है। इस मामले में परमेश्वर यादव के 6 परिवार जेल में बंद है और यह घर में अकेले रह रहे थे। परिवार वालों की माने तो इसी का फायदा उठाकर संजय यादव और उनके समर्थकों ने घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही गिरियक थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गया है। आखिर इसकी सच्चाई क्या है, यह तो मामले की सच्चाई जब सामने आएगा, पुलिस जब उद्भेदन करेगी तभी पता चलेगा। अरे हम लोग रात में सोए हुए थे तो एक भाई आके चेक कर दिया है मेरा एंटी पार्टी, तो कोई नहीं मिले, हम लोग नहीं मिले तो मेरा दादाजी को मार के चले गए। कितना की संख्या में अपराधी आया? वो तो था 10-12 आदमी था। कितना गोली चला होगा? 10-12 गोली फायर हो ही गया था। क्या विवाद क्या चल रहा था? अरे यही समान लड़ाई झगड़ा था, पारिवारिक लड़ाई था। उसको पार्टी वो स्टूडेंट से एक्सपायर हो गया था और प्रशासन ने उठाया था, तो प्रशासन भी स्टूडेंट जेल लिख दिया और कैसे कैसे फंसा दिया है, प्रशासन फंसाया है कि जनता फंसाया है, कैसे कैसे फंसाया उसको किसी को मालूम नहीं है। तो मेरा सब परिवार तो जेल में है साल भर से।